समटाइम्स अनप्लान्ड एंड सडन ट्रिप्स आर वे बेटर देन द प्लान्ड वंस. सो इस बार हम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू माउंटेन्स दिस टाइम वी आर विजिटिंग टू द नियरेस्ट सी बीच फ्रॉम कोलकाता, दैट इज ताजपुर सी बीच. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड. फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी तक जो NH16 का सफर था वो बहुत ही अच्छा था. So basically we boarded this bus at 6:30 in the morning from Dharmatala Esplanade stand at Kolkata, and estimated time to reach Tajpur it is like 4 hours from now on. So right now we have stopped at Kolkata outskirts for having some tea and breakfast, and ye ek mandatory stop hai jo bhi bus ja raha hai towards Digha. ताजपुर जाने के लिए आपको ये बालीसाही स्टॉपेज पे उतरना पड़ेगा. यहाँ से बहुत नज़दीक होता है. कभी भी दीघा मत चले जाओ, क्योंकि दीघा से आपको बैक में बहुत देर बहुत दूर तक कवर करना पड़ेगा. ये है बालीसाही बस स्टॉप. यहाँ पे उतर के यहाँ से टुक टुक या ऑटो करके आप लोग ताजपुर सी बीच जा सकते हो. सो ये बालीसाही स्टॉप से आगे हम लोगों का जो रिसोर्ट है वहाँ पे जाने का रास्ता आप देख सकते हो बहुत ही खराब है. रास्ता बोल के कुछ है ही नहीं बेसिकली. चढ़ के तो थोड़ा बहुत हाल खराब हो रहा है. ये तो ठीक कर सकते हैं ना, क्योंकि ये मेन रूट है जाने का ताजपुर की तरफ. सो जस्ट चेक इनसाइड दैट रिसोर्ट. द रिसोर्ट नेम इज मोचाक रिसोर्ट. एंड अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सारे लोगों का टेम्परेचर और रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का जो रिजल्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट हो रहा है, आप देख सकते हो. तो अभी वेट कर रहे हैं. रूम का चाबी है हम लोगों के पास, अंदर जाके देखना पड़ेगा रूम कैसा है, तब मैं आप लोगों को रूम का व्यू भी दिखाऊंगा. तो हम लोग जब पहुँचे ताजपुर तब वेदर वॉज लाइक क्वाइट प्लेजेंट. अभी टेम्परेचर इज लाइक नेक्स्ट लेवल गर्मी है बॉस. सूरज एकदम ऊपर, बहुत गर्मी और बहुत धूप है. तो बेसिकली आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 5 रूम है, ये 1, ये 2, दिस इज़ द 3rd वन, और उधर दोनों साइड 2 रूम है. टोटल 5 रूम का बुकिंग है. अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 गाड़ी है. लेफ्ट साइड का जो गाड़ी है वो संजय लेके आया है, तो बोल रहा था कि यहाँ पे रास्ता इतना खराब है जैसे कि मैंने मेंशन किया. गाड़ी रहने से फायदा यही है, हम लोग आसपास जा सकते हैं. बेसिकली व्हेन यू चेक द वेदर फॉर द नेक्स्ट 2 डेज इट वाज लाइक क्वाइट प्लेजेंट. आते टाइम पे थोड़ा बहुत हम लोग को बारिश मिला. एक्सपेक्ट करता हूँ कि वेदर ऐसा ही रहे. थोड़ा ह्यूमिडिटी है, बट वो तो पहले से हम लोगों को मालूम था कि बारिश नहीं मिलेगा तो ठीक है, ऐसा धूप रहेगा तो ठीक है. तो आफ्टर 2-3 PM वी विल गो टू द ताजपुर बीच. व्हाट हैपेंड राइट नाउ, संजय इज टेकिंग द रैपिड एंटीजन टेस्ट इन द रूम. कुछ रिजल्ट आया क्या? हाँ, पांडा प्रेग्नेंट है. सो राइट नाउ इट्स 3 इन द आफ्टरनून एंड वी ऑल जस्ट केम आउट फॉर ए प्लेजेंट वॉक. इधर से ताजपुर का बीच जाने का रास्ता है, बट रास्ता थोड़ा खराब दिख रहा है. आई थॉट कि हाँ थोड़ा बहुत अच्छा वाला रास्ता मिलेगा, उधर से साइड मार के शॉर्टकट मारेंगे, बट ये शॉर्टकट भी नहीं है, यही मेन रोड है जाने का टुवर्ड्स बीच. सो हियर कम्स द फर्स्ट लुक ऑफ द ताजपुर सी बीच. ये होने वाला है हम लोगों का नेक्स्ट 2 दिन का डेस्टिनेशन. वेदर बहुत ही अच्छा है, प्लेजेंट है, जो बीच विजिट के लिए बेसिकली परफेक्ट है. एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अभी हम लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे कुछ पानी नहीं था, इतना सूखा था. अभी अगर देखोगे वहाँ पे तो पानी इधर से इधर आ गया, ऑलमोस्ट वहाँ तक पानी आ जाता है शाम होते होते. दीघा और मंदरमणी में जैसा भीड़ होता है उतना नहीं है, बहुत ही शांत है, और ये मेन थिंग है कि बीच भी बहुत क्लीन है. तो एंड दिस प्लेस ताजपुर इज लाइक बेसिकली लोकेटेड बिटवीन मंदरमणी एंड शंकरपुर. तो आप अगर कलकत्ता से आ रहे हो तो जस्ट लाइक आई मेंशन इट इज़ लाइक एग्जैक्ट 173 किलोमीटर, 4 घंटा लगेगा फ्रॉम कोलकाता. एंड इफ यू आर कमिंग बाई ट्रेन देन दीघा बाउंड कोई भी ट्रेन पर चढ़ो और नियर बाई रेल स्टेशन कॉन्टाई पे उतरो. लाइट हाउस जाना है, लाइट हाउस दूर है ना, देखिए. तो बेसिकली लोग समुंदर छोड़ के अभी यहाँ पे एक पानी अंदर आ रहा है, ऐसा कुछ है, वहाँ से इधर नीचे आ गया. Three, two, one, go!
यहाँ पे पानी का फ्लो भी बढ़ रहा है. और वन थिंग लाइक इफ यू डोंट नो स्विमिंग लाइक हियर यू कैन ट्राई इट हियर. ये दिखने में जैसा लग रहा है एक्चुअली बहुत ही डीप है. अरे समुंदर में चलो, यहाँ पे क्या है? अरे विधान साड़ी अच्छा दिखा, वही दिखते थे बाद दिखता नहीं. प्रॉब्लम हो सकता है कि बीच बीच में बहुत गहरा गड्ढा रह सकता है, तो वो संभल के थोड़ा स्टेप्स देख के चल रहा हूँ. एक्चुअली अभी क्या हुआ, बाकी दो लोग समुद्र की तरफ जाके थोड़ा बहुत नहा रहे हैं. इतना दूर जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ हो गया ऊंच नीच, तो हेल्प करने वाला कोई नहीं है. नहीं आगे जाना ठीक नहीं होगा, इधर से मैं शूट करता हूँ. पानी का फ्लो आगे बहुत बढ़ गया है, एक और टाइम होना चाहिए. चलो माउथ क्लोज चलो, टाइम मारने पड़े माउथ ओपन है. वन गो. नहीं नहीं ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ. यू वांट हेल्पिंग हैंड? ये लोग जोर जबरदस्ती पानी के अंदर लेके जा रहे हैं, मेरे को जाने का एकदम मन नहीं है. ऊपर से ये हेडफोन और कैमरा हाथ में है तो थोड़ा बहुत रिस्की हो जाएगा. Spider-Man, Spider-Man. Dive match, dive match. Pandal, are you paddy lapa? No, no. Jolly night. Oh, what? Hala. अभी मैं वहाँ से ये एंड तक एक हाइपरलैप शॉट शूट किया. मैं अभी चेक कर रहा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा आएगा. आप लोग देखो और एंजॉय करो. 1 2 3 If you wanna leave this town, baby I'm lost, I'm fading now. Baby I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby I'm lost, I'm fading now. तो अभी मैं GoPro का स्टेबिलिटी एक और बार चेक करने का मौका मेरे को मिल गया, तो मैं बीच की तरफ पूरा एकदम रन कर रहा हूँ, वो पीछे के एंड से आगे वो एंड तक. इधर थोड़ा पानी है इधर से. बस 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 और नहीं हो रहा है. बीच का एक मज़ा है कि लाइक हम लोगों ने इधर पे चप्पल वगैरह सब कुछ यहाँ पे छोड़ा और आगे से इतना दूर तक कवर कर लिए हम लोग. अभी वहाँ से इधर तक आने वक्त मेरे को पता चला कि हम लोग कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं. यहाँ के लोकल लोगों से मैंने सुना कि जो रिसेंट साइक्लोन हुआ ये कोस्टल एरिया पे, यश नाम था, उसके वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ. बट अभी आप देख रहे हो कि सब कुछ फिर से बन गया. अभी हम लोग को कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे जितना भी दुकान आप लोगों को दिख रहा है इसमें से सबसे बढ़िया खाना कहाँ पे मिलता है. अभी ऊपर चढ़ के मैं देखता हूँ ऊपर से व्यू कैसे आएगा. यहाँ पे पूरा बैठने का और खाना खाने का भी पूरा अरेंजमेंट्स है. अभी तो लोग इतना नहीं है. इधर से व्यू देखो पूरा, मतलब पूरा वहाँ एंड तक दिख रहा है. एक अलग ही लेवल का व्यू आ रहा है यहाँ से. हाउ इज द जोश नाउ? कैलोरी बर्न हुआ? चेन्नई सुपर किंग्स. Stay this high with you, yeah. Oh my God, can't stay this high. This high, yeah.
कितने करके लिया? 40 रुपीज इज लाइक स्लाइट अ बिट हाई। कल की कुड़ी खा होता था। मच रिफ्रेशिंग वन बट या थोड़ा बहुत कॉस्टली है, 40 रुपए करके पर रियल पर। With that said, let's put an end to today's vlog. I hope you guys have really enjoyed our fun-filled crazy beach day at Tajpur. Like always, stay subscribed to my channel The Bomb Wayfarer. Besides, DM me your goadies on Instagram as well as IamRoy92. Till then, tata, goodbye, see you soon.